छोड़ के भोग दुनिया के योग के पंथ आई हूँ तेरे दीदार के कारण फिरूं बन बन उदासी हूँ योग के पंथ आने का अभिप्राय मैं पहले ही कह चुकी कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करना मन को अंतर्मुखी करना देखिए आप इस समय यहाँ बैठे हैं लेकिन अगर यहाँ बैठे बैठे मुझे सुनते सुनते आपका मन भाग जाए घर घर की चिंता करने लग जाए रात खाना क्या खाना इसकी फिकर करने लग जाए बच्चे आए कि नहीं आए इसकी फिकर करने लग जाए तो होगा ये कि आप शरीर से तो यहां बैठे हैं लेकिन मन से आपकी एबसेंट हो गई आप मन से गैर हाजिर हो गए और जब आप मन से गैर हाजिर हो गए तो आप मुझे सुनेंगे कैसे सुनने के लिए मन का यहां होना आवश्यक है इसी तरह आप का मन किसी भी बात के लिए विचलित हो जाए जैसे राग में या द्वेष में राग में मतलब जिनसे आपका मन जुड़ा है उनकी याद आने लग जाए द्वेष मतलब आपको किसी से क्रोध है दुश्मनी है और वो याद आने लग जाए अब ऐसे समय में जब आप भजन करना चाहेंगे तो आपको लगता है कि आप कुछ भजन कर पाएंगे आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दो बार बोलेंगे तीसरे बार आपका मन घुस गया बॉस में कितना बुरा है गालियां निकलता है मैं इसका ये करूं वो करूं मन चला गया पड़ोसी में मन चला गया बच्चे में मन चला गया बिजनेस में मन चला गया ऑफिस में और मन जब यहाँ वहां के विचार करने लग जाएगा तो उतनी देर के लिए आपका मन मंत्र से तो हट जाएगा लोग अक्सर ये पूछते हैं कहते हैं कि हमारा मंत्र में मन नहीं लगता हम क्या करें हमारा मन मंत्र में लगे मैं हमेशा एक ही जवाब देती हूं कि देखिए ऐसा नहीं कि आपके मन को लगना नहीं आता खूब लगता है गप मारते हो कितना लगता है घंटों बीत जाते पता ही नहीं चलता सिनेमा देखते हो खूब मन लगता है तीन घंटे लोग ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे रहते हैं झुकते नहीं दुखते नहीं ये तो सिनेमा वाले हैं कि इंटरवल कर देते हैं कि जाओ भाई कुछ चाय वाय पिया बाथरूम हो नहीं तो उसको भी रोक के बैठे रहते सिनेमा में कितना मन लगता मुंगेरी लाल सिनेमा देखने गया और ऐसा सीन आया कि वहां पर जो हीरोइन है वो नदी में नहाने के लिए उतर रही है तो उसने अपनी ओढ़ नहीं उतारी अब जैसे ही लगा के ये तो कुछ सीन मज़ेदार आ रहा है तो सब सीट के ऊपर ऐसे चुनक के बैठ गए रीढ़ की हड्डियाँ सीधियाँ करके बैठ गए मज़ेदार सीन आ रहा है हा आहा अब मन के घोड़े दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ अब वो कपड़े निकालना शुरू करती है और कैमरा कभी पानी पे जाता है कभी झाड़ पे जाता है कभी पेड़ पे जाता है और वो सोचते हैं उस पर लेके जा उस पे लेके जा उसका मुंह दिखा दे थोड़ा सा फिर इधर उधर ले जावे और जब सही देखने का नजारा आना था ठीक कुछ समय पर आती हुई ट्रेन का सीन आ गया ट्रेन आ गई और जब तक ट्रेन खत्म हुई तब तक हीरोइन का स्नान खत्म हो चुका है फिल्म खत्म हो गई सब घर को गए मुंगेरी लाल कहता है अभी देखो तुम लोग जाओ मैं तो जरा एक बार फिर देखूंगा उसने दूसरा शो भी देखा फिर उसने तीसरा शो भी देखा टिकट बेचने वाला उसने कहा भाई साहब चक्कर क्या है सुबह आपने नौ से बारह देखी बारह से तीन देखी तीन से छह देखी इतनी अच्छी फिल्म लगी क्या आप अब आखिरी शो देखने के लिए भी टिकट खरीद रहे हो उसने कहा नहीं भैया समझना तू वो जो सीन आता है ना जिसमें वो कपड़े निकालती है बोले हाँ कहे वो फिर ट्रेन आ जाती बोले हाँ कहते तो इसलिए दोबारा देख रहा हूं शायद इस बार ट्रेन लेट हो जाए हिंदुस्तानी ट्रेन है रेलवे है ऑल कभी तो लेट हो ही सकती है तो असली चीज तो देखने को मिली नहीं इसलिए मैं एक बार और मन कहां, -कहां पहुंच जाता है जो विषय भोग में अटका हुआ मन होगा तो विषय में मन लगा रहता है देखते रहते देखते रहते देखते रहते देखते रहते थकते नहीं अकते नहीं तो तुम्हारे मन को लगना आता है ऐसा नहीं कि तुम्हें मन लगाना नहीं आता जब आप बैठ के नोट गिनते हो कभी देखा आपने किसी दुकान में ज्वेलर के कपड़े के किसी भी शॉप में एक आदमी पैसे गिन रहा हो तो दो चार जितने लोग खड़े हो ना सब देखते पूछो भाई तू क्यों देखता है तेरे पैसे नहीं नहीं ऐसे ऐसे ऐसा इतना अट्रैक्शन है पैसे के लिए घर में महिलाओं को अपनी ज्वेलरी चेक करनी हो धोनी हो साफ करनी हो तो सबसे पहले दरवाजा बंद करती है खोलती है डब्बे और खोलती है देखती है देखती है लगाती है शीशे में देखती है अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है खुद को कह कह के, के खुद ही खुश होती रहती है। और अगर कहीं साथ में पतिदेव बैठे हो तो उस दिन उनका तो जीवन अजीर्ण हो जाएगा क्योंकि बार बार कहना पड़ेगा अच्छी लग रही अभी वो कैसे बोले कि काली भैंस अब तेरे को अच्छी नहीं लग रही कभी जब तू जवान थी जब तू सुंदर थी तब तो अब तो मोटी मोटी हो गई अब तेरे पे कौन सा जेवर अच्छा लगेगा पर पति बोल नहीं सकता बेचारा बोलते दे अच्छी लग अच्छी लग रही अच्छी लग रही कितना मन लगता शॉपिंग करने जाते हो मन मर्जी की कार लेने जाते हो तो शोरूम में कार को ज्यों देखना शुरू होते टायर से स्टपनी से लेकर के उसका ई इसका कंप्यूटर कैसा है कंप्यूटर शब्द लिखना भी ना आता हो तो भी पूछते कार का कंप्यूटर कैसा है कितना मन लगता है लोगों का एक घड़ी खरीदनी हो पूरा दिन बाजार छान लेते ये दुकान देखे पहन के हम एक बार जूता मुझे चाहिए था जूता लेने दुकान पे गए हमने प्राय न्यूट्रल कलर पहनते हैं तो हमने कहा अभी काले रंग का दे दिखा दो तो उसने कहा जी डिजाइन पसंद कीजिए हमने एक मैंने कहा लो ये दे तो वो जूता जैसे ही पहना तो मुझे कहता इधर आइए इधर आइए मैं क्यों नहीं नहीं इधर आइए मैं क्यूं? क्यों कहते शीशे में देखिए जूते को शीशे में क्या देखूं कितने नहीं नहीं अच्छा अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है मैं भाई मेरे जूता पाँव की चीज है अब इसको मैं शीशे में क्या देखूँ कहता अरे मैडम सब तो देखते हैं आप क्यों नहीं देखते मैं भाई मेरी मर्जी नहीं देखते मेरे पैर तेरे पैरे तेरे को कहा पेट दर्द हो रहा हम नहीं देखते तो ये इंफॉर्मेशन हमको पहली बार मिली कि जूता खरीदने वाली महिलाएं शीशे के सामने खड़े होकर देखती हैं कि मेरे पैर इसमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे वो अपने आप को शायद वो मीना कुमारी समझती होंगी मेरे पैर अच्छे लगने चाहिए सुंदर लगने चाहिए कितना मन लगता है आपका शॉपिंग में किसी की निंदा हो रही हो सुनने में कितना मन लगता है आपका तो आप ये ना कहिए कि मन लगाना नहीं आता ये कहिए कि गलत जगह मन लगाना आता है ये कि अभी अंतर मन लगाना नहीं आता है ये कहिए कि अभी ईश्वर नाम से मन लगाना नहीं आता है ये बोलो और इस समय पर मैं ये बात आज आपसे कहना चाहती हूँ कि सच तो यह है शुद्ध सुख शुद्ध आनंद जीवन में जब तुम्हें मिलेगा वो तुमको ईश्वर से ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलने वाला आप लाख लगा लीजिए दुनिया में पैसे में कपड़े में जेवर में साड़ी में शॉपिंग में कार में गाड़ी में मकान में जॉब में कहीं आप मन लगा लीजिए आप देखेंगे आपकी मन चाही वस्तु आपको एक दिन जरूर मिल जाएगी निश्चय मिल जाएगी पर मिलने के बाद मन फिर वहां से भटक जाएगा फिर कहीं और फिर कहीं और फिर कहीं और यह मन का स्वभाव है ये मन का स्वभाव है मन एक ही मन चाही वस्तु के साथ टिकता नहीं इसलिए रोज एक नई इच्छा रोज एक नई वासना तुम्हारे मन में जगती रहती है और सच यह है कि जब तलक आप अपना मन उस मनोहारी कृष्ण के साथ न जोड़ेंगे जब तलक आप इस मन का भंजन करके आत्मरंजन नहीं कर लेंगे तब तक मन को विश्राम नहीं आने वाला मन टिकने वाला नहीं है इस बात को तुम आज समझ लो कल समझ लो दस साल बाद समझ लो कि दस जन्म के बाद सच यही रहेगा देखे मन खाली है वट इज योर माइंड माइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट मन पदार्थ नहीं है मन एक वस्तु नहीं क्या है मन बताइए मुझे आपका मन क्या है हाथ पैर में कुछ आकार है कुछ ठोसता है हड्डी मांस मज्जा मसल्स नर्व्स कुछ है शरीर में मन में क्या है बोलो मन का क्या आकार है कुछ भी नहीं मन की क्या शेप है कुछ भी नहीं मन का क्या रूप रंग है कुछ भी नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं मन कुछ भी नहीं तो मन कुछ भी नहीं को संसार की वस्तु जो कुछ है संसार की हर वस्तु कुछ है कुछ है से कुछ नहीं को भरा नहीं जा सकता बात समझ लग रही है जो मैं कह रही हूं माइंड इज नथिंग माइंड इज एम्प्टीनेस एंड यू कैन नॉट फील एम्प्टीनेस विद ऑब्जेक्ट्स यू कैन नॉट आप कितना ही प्रयास कर लीजिए मन को कितना ही समान दे लीजिए कितनी ही वस्तुएं दे लीजिए मन फिर भूखा का भूखा मन फिर प्यासे का प्यासा रह जाता है